हेलो। यस सर। हाँ जी, दिलीप जी आपसे बात हुई थी अभी कुछ देर पहले। तो राइट 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 सर, तो हाँ बिल्कुल जी, सर। दिलीप जी आपको उसकी एम्प्लॉय आईडी पता चली? एम्प्लॉय आईडी तो मैंने देख लिया है, बट मुझे एक्चुअली ये अच्छा जानना है कि एम्प्लॉय आईडी को कैसे एस्केलेट करना है आपको, मतलब किस जी, उसने मैं आपने बोला अपनी ट्रेसपास किया, मैंने उससे बात किया, वो बोला मैंने ऐसा कुछ ट्रेसपासिंग नहीं किया। चाला मैं आपको समझा देता हूँ सर। जो तीन जी तीन फ्लोर की रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वहाँ पे जी सामने 3 बेल बटन्स होते हैं सर। उस राइट रेजिडेंट सर बाहर एमसीजी की जमीन है, वो बाहर खड़ा रह सकते हो, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जहाँ पार्किंग है सर। जैसे ही करेक्ट वो सर। उस काले गेट से अंदर घुसता है ना, सर वो ट्रेस पासिंग कंसिडर हो जाती है बट कमर्शियल। आपका कंसेंट मिला होगा ना सर? हाँ जी, नहीं मेरा कोई कंसेंट नहीं था अच्छा ना, जो ओके मैडम बैठी था ना मैडम का कंसेंट था ना हमारा कोई कंसेंट था। कमर्शियल प्रॉपर्टी ग्राउंड फ्लोर पे है, स्टेयर केस के ओके अंदर जो तू ऊपर जो 2 फ्लोर हैं वो प्राइवेट फ्लोर्स हैं, और काले गेट से अंदर घुसने से पहले वहाँ 3 बेल रिंग्स हैं, उनको बजाना पड़ता है और कंसेंट लेना पड़ता है। एग्जैक्टली बिना एग्जैक्टली सर कंसेंट के अगर सर बिल्कुल वो अंदर घुसेगा तो वो ट्रेस पासिंग होगी। और सर मेरे को ये भी पता चला है, अभी मैडम ने बताया कि वो क्या कहते हैं बदतमीजी करके गया है। ऊंची आवाज में बात कर रहा था, मेरे बदतमीजी से बदतमीजी करे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे घर पे मैडम है नहीं, बैठी हुई। आपसे भी क्यों करें सर? सर आपसे भी क्यों करें, मतलब किसी से भी क्यों करें, आई मीन। और देखिए सर, कभी कभार मैं घर पे नहीं भी रहता हूँ, ठीक है, और अगर जी ऐसा मेरे को पता चलता है कि ये घर पे फिर से आए हैं कोई आपकी तरफ से और बदतमीजी कर हम्म रहा है, तो फिर सर आपके हाँ। एजेंट के साथ जो होगा ना उसके जिम्मेदार आप होगे, हम नहीं होंगे। नहीं, ये जो आपने बताया है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ऐसा इंस्ट्रक्शंस हम भी देखते हैं, जब तक कंसर्न ना मिले और इंस्ट्रक्शन अंदर से ना मिले, या फिर जो भी रिसेप्शन पे गार्ड हो, जब तक वहां से कोई कंसर्न नहीं मिलता है, आप ऐसे प्रेमाइस में नहीं जा सकते। यू आर वेरी करेक्ट देयर। आप एक काम कीजिए सर, आप उसका एम्प्लॉय आईडी मत लीजिए, बिकॉज ही माइट लूज जॉब फॉर दिस कंप्लेन। नहीं सर, आप एक उसको काम लूज कीजिए। करनी पड़ेगी सर। हाउ कैन ही कंसील हिज आइडेंटिटी कार्ड? इफ आई एम डिमांडिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड, ही कैन नॉट कंसील दैट सर। आई हैव द फुल राइट टू डिमांड हिज। यस सर आस्क हिम टू प्रोड्यूस। आपको उसने बताया दिखाया नहीं आपको जी, अपना जी आईडी कार्ड? बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैं देखने जा रहा था, उसने क्या किया, अपने हाथ से छुपा लिया आईडी कार्ड, मेरे पे आप ये ऑन एक कैमरा काम है। कीजिए सर, हाँ आप जी, एक काम कीजिए सर, हाँ जी, आप उसका एम्प्लॉय आईडी मत लीजिए, बिकॉज आई एम हिज लाइक टेरिटरी मैनेजर। तो आप मेरा मेलिंग एड्रेस दे रहा हूँ, आप एक कंप्लेन ना मुझे ऑफिशियली डाल दीजिए सर। यू कंप्लीट। राइट सर, प्लीज डाल दीजिए, सो दैट मैं एक बार उसको दिखा भी सकूं कि इन राइटिंग ऑफिशियल एक मेल कंप्लेन आई है आपके लिए। सो बिकॉज सर एम्प्लॉय आईडी उसकी शेयर करने से क्या होगा ना, ही विल बी लूजिंग हिज जॉब फॉर श्योर। प्रॉब्लम ये है सर, सर तो क्योंकि क्यों हम जिस हिसाब चाहेंगे से ही वॉज बिहेविंग ना, उससे सर क्लियरली आइडेंटिफाई मैं कर सर? सकता हूँ कि उसके ये लिए इसका उसके रोज लिए का है। इसी के लिए सर आई अंडरस्टैंड। नहीं, वो मुझे देना पड़ेगा सर, उसको उसकी क्लास तो लेनी पड़ेगी, इसलिए ऑफिशियल एक मेल आपसे चाह रहा हूँ, सो आई कैन शो हिम कि देखो आपकी कंप्लेन राइटिंग में आनी शुरू हो गई है। सो थोड़ा सा मैं चीजें कंट्रोल करूंगा सर, है ना? किसी की जॉब क्यों लेना सर, प्रॉब्लम है ना? आप भी समझते हैं इस चीज को। आप मुझे ऑफिशियली डाल दीजिए सर, आई डेफिनेटली टेक एक्शन ठीक है, अगेंस्ट हिम। थैंक यू सर। वर्बल एक आप बार तो जिस हिसाब देगा। से आप कह रहे हो तो ठीक है, लेट्स मेक इट एन एक्सेप्शन। पर अगर अगली बार आता है ना सर, सर उस बार फिर मैं सर कॉल भी अगली नहीं बार करूंगा सर, ये मैं अपने अगली हिसाब से अगली बार एक्शन नहीं लूंगा। होगा सर, डोंट वरी, अगली बार ये सिचुएशन आएगी नहीं, ठीक है सर, थैंक यू डोंट सर। आई वरी। एम राइटिंग अ या फॉर्मल कंप्लेंट। थैंक यू वेरी मच।